पता है अभी सुबह के कितने बजे हैं? अभी सुबह के बजे हैं 4। हम लोग सब रेडी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। लड़का भी आया है। अभी 4:15 हो गया। चलो चलो जल्दी निकलेंगे। चलो चले, 4:30 होने वाला है। हम लोग आखिर लेट हो ही गए। हम लोग सोचे थे 3 बजे उठेंगे। देखना और कितने लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। वाह, ये वाला कपड़ा कब तुम लिए भाई? अच्छी दिख रही है दादू। सबको उठाया आपने? जा जा के सबको उठाया आपने? दादू ने 3:30 बजे से सबको सबके घर जा जा के उठाया। चलो चलो मेला जाते हैं। जाने का तो मूड नहीं था इतना सुबह उठ के, लेकिन फिर गए। रेवोल्यूशन, आंदोलन करने सब जा रहे हैं। आखिरकार इतने जवान, इतना जवान लड़के के होते हुए भी हम लोग को टोटो में बैठना पड़ गया। हम लोग एंटर कर चुके हैं। अंदर तक तो जाएगा नहीं टोटो, क्योंकि फिर अंदर तो भीड़ है। लोग अभी सुबह के 4:45 बजे पहुंचे हैं और कुछ लोग तो वापस आ रहे हैं। मतलब ये लोग रात में घूमने आए थे, शायद 12-1 बजे। ये 123वां गौशाला सब अभी खोलने वाले हैं। खाली खाली सोना सोना लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग आ भी रहे हैं, अब लोग सिर्फ नहीं है। ये यहाँ से एक गुड़ डंडा तो शुरू हो गया। यहाँ से बिकना भी नहीं लेंगे, वापस आते टाइम लेंगे। किसी को नहीं, यही तो मेन है। इस मेला में खाने का दो मेन चीज होता है हम लोगों के लिए, तो एक ईख होता है और एक वो खाजा होता है, वहाँ दिखेगा मिठाई वो होता है, इसे हम लोग हाथी पीठा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं। ये दोनों तो हम लोग लेकर के जाना ही है कंपलसरी। हम लोग कभी गए बैल लोगों को नहीं देखे। अभी लोग थोड़ा छोटे पर नाम कर रहे हैं, बल्कि हम लोग के घर में होते हुए भी। खतरनाक को तोलता ही चलो हो गया, उतना नहीं छेड़ो। स्टूडियो भले मोबाइल का जमाना हो, लेकिन मेला आएंगे तो फोटो तो खिंचाना चाहिए। तो हम लोगों ने भी एक फोटो खिंचाया, ग्रुप फोटो। लेकिन ये क्या, यहाँ तो झगड़ा हो रहा है, ये तो हर साल होना है। झूला इतना बंद क्यों लग रहा है? क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? कर तो हम लोग तो झूला में ही बैठने के लिए आए थे। क्या फायदा रह गया इस साइड कभी ना आए। इधर साइड एरिया है ज्यादातर, हड़िया गोदाम ऐसे और भी चीज मिलेंगे। किसी को पीना होगा तो इधर आप लोग आ सकते। देखिए उदास चेहरों के साथ हम लोग चले वापस, क्योंकि झूला तो बंद है। सुबह भी हो गया, हम लोग इस झूले में बैठने के लिए आए थे जो कि बंद। अब झूला में बैठने नहीं मिला तो क्या हुआ, कुछ यहाँ दुकान देख लेते हैं, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो फिर एक और पीठा लेकर खाजा लेकर वापस चलेंगे। दुकान कुछ कुछ तो बंद ही है, शायद आज है, आज 22 तारीख है ना, तो आज रात भर खुलेगा। तो आज आराम करने के लिए सब बंद किया। देखिए आधा दुकान तो बंद ही है, ये सब तो बंद ही है। नहीं आना पड़ेगा रानी, पता है शाम को रिपोर्टिंग।
हमारा खरीदारी स्टार्ट हुआ यहाँ से। ये लॉकेट, ये चाबी रिंग जो दो डॉगी बना हुआ है, ये 30 या 35 करके था, तो ये लिया दो ठो। की बात ही चालू हो गई है। आप झूला में बैठने के लिए, हमारे फेवरेट झूले में बैठने के लिए टिकट काउंटर में लाइन लगाई, जो कि 70 करके पर पर्सन पड़ा। यहाँ पर बहुत देर डिस्कशन चला कि कौन किसके साथ बैठेगा, कोई राजी ही नहीं था एक दूसरे के साथ बैठने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हम लोग का यही डिस्कशन करने। और ये हम 6 लोगों का टिकट, और बगल में है ये ब्रेक डांस झूला, शायद इसमें बाद में बैठेंगे अगर बैठने के लायक बचे तो। बैठने के बाद तो चेहरे पे बहुत खुशी दिखाई दे रही है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं सब कोई डरने ही वाले हैं। और हम पूछे थे पहले, वॉर्न भी किए थे, देखो डर लगेगा किसको बैठना है, तो सब बोले हाँ बैठना है बैठना है, तो बैठो फिर कोई डरना नहीं। देखो खुश लग रहे, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रहा है। दो तीन राउंड के बाद तो इसका तबीयत खराब हो गया। अब इस एक आदमी के लिए तो नहीं रुकवा सकते, बहुत ज़्यादा तबीयत तो खराब नहीं हो गया, पर बोल रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम पहले ही वॉर्न किए थे। अब हो गया उसका तबीयत खराब, कुछ देर उसको बैठने के लिए हम लोग बोले, लेकिन इसका मन नहीं भरा। हम बोले कि नहीं बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बैठना था इसको इसमें। तो ये दो टिकट आ गया हमारा, हम और लोगों का तबीयत नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ही बैठे। और मिल गई इसको जिद करने की सजा, इसका भी तबीयत खराब हो गया। जाओ। और ये लोग क्या खरीद रहे हैं भाई, 5-10 मिनट से देख रहे हैं, यहीं पे खड़े हैं सब। हम लोग छोड़ के गए, अभी तक खरीदता रहे। ओहो, कुकु के लिए कान का लिया 10 रुपया में, हम लोगों ने सब फिर 10-10 रुपया कर लिए। अरे बाबा, अरे आर्चरी लेके जाएगा ये दोनों। और एक बात, ये मेला में, गौशाला मेला में इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला यही है, फ्लावर वाला मुकुट क्राउन। ये सब टीनेज गर्ल्स के सिर पे दिखाई दे रहा था।
और ये मिठाई तो लेना ही था, 50 रुपए पर पीस। और ये क्या, ये क्यों रो रही है? अरे इसको जाना था फिर से बैलों को देखने, गाय को देखने, क्योंकि ये तभी नहीं गई थी इसलिए उसको वापस फिर से ले जाना पड़ा। लेकिन हम लोग आ गए ईख खरीदने, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और तो चुनने तो आता है नहीं, फिर भी कुछ देख के ले ही लेते हैं। और हमारे ग्रुप में एक बहुत आलसी लड़की है जिसको हमने कैमरा पकड़वाया, उसने कैमरा साफ करना भी जरूरी नहीं समझा। कैसे वीडियो बनाई, अब वो कैमरा वीडियो कर रही थी, उसको तो पता चलना चाहिए ना कि साफ है कि नहीं। तो यहाँ हमने एक चीना और 50 रुपए पर पीस करके लगा। अब चलो वापस, बहुत हो गया मेला मेला, चलो चलो चलो। और जाते जाते भी इसको लेना है बादाम। इधर भी बहुत सारे ईख के दुकान लगे हुए हैं। और यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे 20 रुपए पर पीस भी मिल रहा है, 30 रुपए पर पीस भी मिल रहा है। और वहाँ हम लोग 50 रुपए में ले लिए। बहुत पछतावा होता है ऐसा, इसलिए थोड़ा इधर उधर देख के ही खरीदना चाहिए। ये लास्ट दिन में मिलेगा 20 रुपए पीस सब। यहाँ गुलगुला खाने के लिए रुकी है, और ये रहा हमारा गुलगुला। और ये 10 रुपए का था, गुगनी और गुलगुला मिला के 10 रुपए में इतना सारा। चलो चलो चलो, अब बाय बाय कर दो गौसले पर्व को।